नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप निश्चित निशन देख रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं। इन दोनों के बीच में ट्विटर हो या फिर ऐसे ही जुबानी बयान, दोनों के तरफ से जो हमले एक के बाद एक सामने आते रहते हैं। बिहार इस वक्त कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है और आंकड़ा जो है वो 550 पहुँचने वाला है। तमाम चीज़ों के बीच में सरकार करवा रही है बिहार के हर आदमी की स्क्रीनिंग, घर घर जाकर की टीमें स्क्रीनिंग कर रही है और इसी बात को लपक लिया है तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप यादव ने मंगल पांडे के दो ट्वीट्स को कोट करते हुए उन्हें अमंगल पांडे कहते हुए जम के सुनाया है। तेज प्रताप यादव का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और इस पर तेज प्रताप यादव लिखते हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे श्री श्री अमंगल पांडे जी को, बिहार के 12 करोड़ की आबादी में इनका दावा है कि करीब 11 करोड़ लोगों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो चुकी है। जनता ही बताएं, आपके घर कोई आया था क्या? बाबू साहब ने रातों रात 87 लाख की डोर टू डोर स्क्रीनिंग कर ली है और टैग किया है मंगल पांडे बीजेपी को। दरअसल ये पूरा माजरा क्या है, दरअसल बिहार सरकार का एक आदेश है जिसमें वो हर घर, पहले 7 जिले थे, उसके बाद उसको पूरे बिहार के लिए लागू कर दिया गया, यानी कि हर घर जाकर के टीमें हैं जिसमें जीविका की दीदियां हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, आशा कार्यकर्ताएं हैं, ये तमाम लोग जाती हैं घरों में और वो आपके घरों में लोगों के ट्रैवल हिस्ट्री और साथ ही उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेती हैं और उसको पूछती हैं। जहाँ पर कोई संक्रमण या संदिग्ध दिखता है उसके बाद वो रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाती है ताकि उसकी जांच हो पाए। अब तेज प्रताप यादव ने मंगल पांडे के दो ट्वीट्स का हवाला दिया है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं पहले ट्वीट से। ये ट्वीट है मंगल पांडे का 6 मई को, यानी कि बुधवार, बीते बुधवार का, और ये रात के 8:13 पर किया गया है और लिखा गया है इसमें डोर टू डोर सर्वे का काम भी तेजी से चल रहा है, अभी तक लगभग 9,25,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। ये है, उसके बाद एक दूसरा ट्वीट सामने आता है मंगल पांडे का और ये है 7 तारीख का, दोपहर 1:15 का। लिखा गया है इसमें बिहार में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कार्य में अभी तक जो 61,23,344 परिवारों के लगभग 10,11,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है, यानी कि दोनों स्क्रीनिंग का जो आंकड़ा है, मंगल पांडे का जो एक आंकड़ा है 6 मई का और एक आंकड़ा जो है 7 मई का, उस दोनों में 87 लाख का अंतर है। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने इसी बात को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की है, सवाल पूछा है कि एक दिन में 87 लाख लोगों की जांच कैसे हो गई। सवाल इस बात को लेकर के भी कि क्या आपके घर में स्क्रीनिंग के लिए कोई आदमी आया था या नहीं, ये बिहार की जनता बचाए, क्या सिर्फ कागजों पर स्क्रीनिंग हो रही है, तमाम तरह के आरोप तेज प्रताप यादव ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के ऊपर लगाए हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।